नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम इस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है श्री रेणुका शुगर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर में हमें जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने के बाद जो है कल के दिन गिरावट देखने को मिली है। लगभग 1% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है फ्राइडे को। तो बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इसमें जो ये गिरावट आई है, क्या ये गिरावट आपको आगे भी देखने को मिल सकती है। जो लोग भी इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, वो लोग अपने इसमें नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं, और जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, वो लोग कौन से लेवल पे अपनी अब फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट लेवल आपका बाई करने के लिए कौन सा रहेगा, आपको अपना SL कहाँ पर रखना है, और आपके आगे के कौन से टारगेट रहेंगे, सारी बातें आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, हम अगर इसमें रेणुका शुगर में कैसे क्या अभी ट्रेड देखने को मिली थी फ्राइडे को, तो फ्राइडे को जो उसमें ओपनिंग देखने को मिली थी 53 रुपये 20 पैसे पर हमें इसमें ओपनिंग हुई थी, और ओपनिंग के बाद लगभग इसने 53 रुपये 25 पैसे का जो है अपना हाई टच किया था। और उसके बाद देखिए, लगातार हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और लगभग जो उसने लो टच किया 51 रुपये 65 पैसे का, और क्लोजिंग हमें 52 रुपये 15 पैसे पर देखने को मिल रही है। बात करी जाए 1 वीक में, तो 1 वीक में ऑलमोस्ट 6% के आसपास के हमें रिटर्न्स इसमें देखने को मिले हैं, और 1 मंथ में देखें तो लगभग 10% हमें अभी तक इसमें रिटर्न्स देखने को मिल चुके हैं। बात करें वॉल्यूम कैसा क्या ट्रेड हुआ है इसमें, तो वॉल्यूम पर अगर आप गौर करें तो लगभग 1,52,97,064 शेयरों का हमें इसमें देखिए इसमें ट्रेड देखने को मिला था NSE पर। और अगर आप देखें तो लगभग 1900 शेयरों का हमें जो है सेलिंग साइड पर ऑर्डर देखने को मिल रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेलर इसमें एक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं, और इसमें बुलिश मोमेंटम ही देखने को मिल रहा है जो हमें अपना वॉल्यूम इसमें बता रहे हैं। अब बात करें इसमें जो लास्ट कुछ दिनों में कैसा क्या वॉल्यूम ट्रेड हुआ, तो देखिए लगातार 3 दिन में हमें वॉल्यूम डिक्रीमेंट देखने को मिला है। और अगर आप देखें तो लास्ट डे भी हमारी जो डिलीवरी क्वांटिटी थी लगभग 41.3% शेयरों की हमें डिलीवरी भी देखने को मिली है, तो काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज, मतलब कि लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ट पे, ये चार्ट पे कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, कहाँ पर आपको फोकस करना है, और इसके आगे के कौन से हमारे टारगेट रह सकते हैं। तो आपको याद होगा जब ये हमने एक आपको एक पैटर्न आपको हमने बताया था कि इसमें ये काफ़ी अच्छा चैनल बन रहा है, यहाँ से इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, और इस ट्रेंड लाइन से इसने मल्टीपल टाइम जो है अपना रेजिस्टेंस लिया, और इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद ये एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट किया, और इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया जो कि अपना 45.50 का लेवल था। हमने आपको बोला था कि ये लेवल का ब्रेकआउट होते ही आपको बाई करना है, और इसमें देखिए आपको काफ़ी अच्छे फिर टारगेट मिलने वाले। देखिए यहाँ पर अगर आपने बाई किया होगा हमारे लेवल पर, तो देखिए आपने पहले हमारा 47.90 का जो लेवल था उसको हमारा इसने अचीव किया, देन उसके थोड़ा सा नीचे पुल बैक दिया, देन ऊपर जाके फिर से इसने इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन पे जो है इसने सपोर्ट लेके अगेन यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली दिखाई, और जो हमारा टारगेट नंबर 2 था 55 रुपये 55 पैसे एंड 53 रुपये 50 पैसे, दोनों ही हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं, और हमने जो है जो भी आपको लेवल दिए थे सारे सारे हमारे बिल्कुल सही अभी तक काम किए। ठीक है, अब बात करते हैं, तो नहीं पुरानी बात, अब क्या करना है, हमारा अगली स्ट्रेटजी क्या होगी उस पर बात करते हैं। ठीक है, जो जो लोग भी ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं तो वो क्या करें, देखिए अगर आपने अगर नीचे से बाइंग कर रखी है, आपने 10-20% रिटर्न बना लिए, तो आप जो है इसमें कुछ क्वांटिटी अपनी बुक कर सकते हैं। बाकी की क्वांटिटी मान लीजिए आपके पास 100 शेयर हैं, तो 100 में से आप जो है लगभग 50 या 40% शेयर अपने जो है आप वो अपना जो है इसमें प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी की क्वांटिटी जो आपकी है 40-50% क्वांटिटी बचेगी जो आपकी जो 60% वो आप जो है होल्ड कर लें, और आपका जो SL रहेगा, क्योंकि ये देखिए ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल था। देखिए यहाँ पे इसने क्योंकि पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, और यहाँ पे देखिए इसने इसका ब्रेकआउट दिखाया था, तो ये अब आपका जो है अब ये सपोर्ट का लेवल बन जाता है, और यही आपका SL भी रहेगा। तो आपको जो है 50 रुपये 55 पैसे का जो लेवल है ये आपका सपोर्ट का लेवल रहेगा, और आप जो है इस लेवल के नीचे का अपना SL लेके बाकी की क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात रही जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों को भी फ्रेश बाइंग करनी है, जो लोग जो है फ्रेश इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए जो लोग भी इसमें नई बाइंग करना चाहते हैं, तो देखिए ये आपका जो लेवल है अब ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन बनने वाला है, क्योंकि ये पहले देखिए अगर आप गौर करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने सपोर्ट लिया था और उसको सपोर्ट का ब्रेक किया था, तो जब कोई सपोर्ट टूटता है तो वो अब काम करता है रेजिस्टेंस का, और इस बार भी देखिए ये इस लेवल को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया, तो ये जो है आपका अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल रहने वाला है। तो आपको जो है इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है, जब इस लेवल का ब्रेकआउट आपको देखने को मिले तो आप इसमें अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो आपका जो 53 रुपीज़ 50 पैसे का जो लेवल है ये आपका अब जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद आप अपने इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, और आपका जो सपोर्ट रहेगा इसी लेवल के नीचे का आप जो है सपोर्ट अपना ले सकते हैं। लगभग आप जो है अपना सपोर्ट 52.80 के आसपास का अपना सपोर्ट लेके इसमें अपनी फ्रेश एंट्री लेंगे जब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, जो कि आपका 53 रुपये 50 पैसे का लेवल है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका टारगेट क्या रहेगा, टारगेट जो आपका रहने वाला है वो आपका लगभग 57 रुपये का रहेगा जब आप इसके ऊपर एंट्री लेंगे। ठीक है, आपका टारगेट नंबर 1 रहेगा हमारा 57 रुपये का, एंड देन आपका जो टारगेट नंबर 2 रहेगा वो आपका लगभग 63 रुपये 15 पैसे का रहेगा। टारगेट नंबर 1 कौन सा है, टारगेट नंबर 1 आपका 57 रुपये का है, और टारगेट नंबर 2 63 रुपये का आपका टारगेट नंबर 2 रहेगा। तो इन दो लेवल को आप जो है बिल्कुल नोट कर सकते हैं कहीं पे, और जो आपका
फ्रेश एंट्री कहाँ पे है वो आपकी 53 रुपये 50 पैसे के ऊपर है। सपोर्ट आपका लगभग 52 रुपये 80 पैसे 50 पैसे के आसपास का, आप अपना सपोर्ट का लेवल या आप अपना एसएल लेके चल सकते हैं। बाकी कंपनी आपने ये देखी तो इसमें गिरावट का रीजन क्या है, क्योंकि ये अपना ओवरबॉट हो गया था और जब भी ये सर अपना ओवरबॉट हुआ इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद ये शेयर आपको दोबारा से तेजी में देखने को मिलने वाला है। बाकी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कंपनी शुगर सेक्टर की कंपनी है और एथेनॉल की जो डिमांड भारत में बढ़ रही है उस हिसाब से ये कंपनी आपको आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो बाकी आप जो इन लेवल को फॉलो करें, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि जो लिंक है वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, उस पर आप क्लिक करते ही हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री में इंट्राडे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की ट्रेड हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं और आपके सारे डाउट उस ग्रुप में आपके दूर किए जाते हैं, ठीक है। तो आप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप के जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, बॉक्स पर क्लिक करते आप हमारे लिंक को जो है क्लिक करेंगे और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहीं तक था वीडियो, वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।